एक्सीलेंस क्लब खाचरौद के तत्वाधान में ऑल इंडिया इंटरनेशनल चैंपियन ओपन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के हर क्षेत्र से आई टीम के बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कृत भी किया गया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। ना झुके ना मिटे, देश तो अब निशान है। है, उम्र है, जोश है और जान है। ना झुके ना मिटे, देश तो अब निशान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। ए, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। दुनिया वालों पर
सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमने कहा है। प्यारा आओ हम मिलके बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा हमने
साधुवाद देता हूँ। निश्चित रूप से अजय जी और उनकी टीम ने खाचरोद में एक खेल का माहौल बनाया और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता करा करके निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और बाहर से जो मेहमान पधारे हैं, हमारे अतिथि पधारे हैं, उन सबका स्वागत करता हूँ और सबका धन्यवाद भी करता हूँ। हमारे बीच में आज अतिथि के रूप जिस खेल को आज हम देख रहे हैं और छोटे छोटे भैया बहनों ने जिस प्रकार का प्रदर्शन अभी हमारे सामने किया है, काबिले तारीफ है। और ऐसा खेल जो बाबा रामदेव ने पूरे विश्व में पहुंचाया और हमारे प्रधानमंत्री जी की सफलता के पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया है स्वस्थ रहने के लिए। और एक बंद दो का स्वस्थ भी रहो और खेल का खेल भी हो जाए और आपको रोजगार भी मिल जाए, इसलिए मैं सबको शुभकामना देता हूँ, अभी बधाई देता हूँ। ये कार्यक्रम सफल हो और आप सफल होकर के लौटे। ओपन राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता हो रही है प्रथम बार खाचरोद के अंदर। मुझे पूर्व में अजय जी का फोन गया कि हमारे क्षेत्र के अंदर हम योग को बढ़ावा देते हैं। हमने कहा ये बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर हो और इसका आयोजन इनको मिले और यात्रा इसको सफल बनाए, उसकी मैं शुभकामना देता हूँ। और प्यारे बच्चों, आपको इस प्रतियोगिता के शुभारंभ पर विनर तो कोई होगा या नहीं होगा उसका तो अभी तक डिसाइड नहीं है क्योंकि प्रारंभ ही नहीं हुआ आपका कॉम्पिटिशन। उससे पूर्व मैं आप सभी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप यहां से जीतें और आप प्रोत्साहित बने और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें आगे चलकर। और जो नए जीते हैं वो मन में गिला शिकवा नहीं लेके जाए कि भाई हम नहीं जीत पाए, क्योंकि दो जीतते लड़ते हैं तो एक हारता भी है ना, तो उससे अगली बार नेक्स्ट तैयारी करके उसके लिए तैयार रहें। इसी की शुभकामना के साथ मैं सभी अधिकारियों
एवं यहाँ के खाचरोद के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं एवं मंचा सिंह सभी का सहयोग, उनके लिए आभार और धन्यवाद। जय हिंद। भाई अब अजय जी ये पहचान बन गए हमारे यहाँ इस व्यक्ति के रूप में, जो खेल प्रतियोगिताओं को खाचरोद में निरंतर करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रतियोगिता के पहले भाई एम जी ने कहा कि भाई साहब अपने को यहाँ पर नेशनल योग करवाना है, मुझे भी लगा कि यार बड़ा आसान नहीं है, तो कल्पना भी नहीं करते हम तो योग की कोई कॉम्पिटिशन खाचरोद में हो जाए। हम भी क्या करते हैं, बहुत से बार टूर्नामेंट करते हैं ना, तो राज्य स्तरीय करना या नेशनल करना तो एमपी के बाहर की एक टीम बोला करते हैं और वो हो जाता है राष्ट्रीय। और इस तरह का करना है तो एक टीम उज्जैन संभाग से बाहर की बुला देते हैं तो ये स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन हो। तो मुझे लगा कि शायद अजय भाई भी कोई ऐसा काम करेंगे, एक तो टीम एमपी के बाहर की आ जाएगी और नेशनल लेवल में जाएगा। लेकिन यहाँ देखने पर लगा तो महासचिव जी हमारे बीच में फेडरेशन के और बहुत पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित है और कई स्टेट्स के खिलाड़ी यहाँ भाग ले रहे हैं, तो लगा कि नहीं कि कोई दमखम का काम हो जाए। क्या मैं बहुत बहुत मेरे पूरे क्लब की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी घबराहट भी है जो भाई को लग रही है कि कोई बड़ा टूर्नामेंट को उज्जैन में कराऊंगा, क्योंकि खाचरोद में देखा कि इनको कमी लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप सब जो वरिष्ठ पदाधिकारी और टीम लेकर जो लोग आए उन्हें यहाँ पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, कमरे वगैरह निश्चित रूप से खाचरोद छोटी लगे हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ आपको कमरों का अभाव लगेगा लेकिन सबका दिल बहुत बड़ा है। कमरे छोटे हैं सबका दिल बड़ा है। आप एक बार आकर देखिए, अगली बार चाहिए अंजू भाई से हम कहेंगे कि उज्जैन की बात, उज्जैन भी अपना जिला है, महाकाल की नगरी है, लेकिन केवल अगर इस कारण से आप विचार छोड़ रहे हो तो ये पूरी टीम के वरिष्ठ पदाधिकारी और फेडरेशन के पदाधिकारी पर विश्वास रखो और हम पर भी विश्वास रखो कि जो बन सकता है वो सारी सुविधाएं खाचरोद में हम जुटाएंगे और आप टूर्नामेंट की तैयारी करो। योगा योगा का मतलब ये जोड़ना, और आज इस खाचरोद नगर को आप पूरे देश में कहीं जोड़ रहे हैं, देश में कहीं पहचान बना रहे हैं, और हम उसमें आपके सहयोग में थोड़ी कंजूसी करें तो ये हमको भी ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि आपका नाम ये खाचरोद का नाम बन रहा है, इसकी खाचरोद की पहचान आज इतने दूर दूर से दूसरे स्टेट से लोग यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये खाचरोद का जो सम्मान है, जो खाचरोद में आकर बाहर के लोगों को जो सम्मान मिलता है वो बहुत अद्भुत है, और मैं निश्चित रूप से ये विश्वास दिलाता हूँ कि अजय भाई को लग रहा है ऐसा, लेकिन पहली बार आपका अनुभव है राष्ट्रीय खिलाड़ी को, आप कई बार आप गए होंगे लेकिन आयोजन का अगर आपका राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो थोड़ी डर है तो इस बार जो भी कमी होगी उसको अपन निभाने का आग्रह सबसे करते हैं, लेकिन अगली बार केवल इस कारण से विचार त्यागो ये ठीक नहीं है, और हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं कि योग की जो माहौल पूरे विश्व में, भारत तो 5000 साल से अधिक वर्षों से योग का देश रहा है, योग तो भारत की प्राचीन विधा है, प्राचीन काल से योग भारत को पहचाना जाता रहा है, लेकिन आज पूरे विश्व में जो पहचान मिली है भारत के इस योग को, तो आज अगर देश के कोने कोने में भी अगर योग नहीं भेजेगा तो भारत की जो पहचान है योग के बारे में, तो जो नए देशों में जो योग जा रहा है वहां से हम पिछड़ जाएंगे। तो ग्रास रूट से हमका योग बढ़ाना, इसलिए छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में, छोटे छोटे नगरों में अगर फेडरेशन ही आयोजन करवा तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र से देखते हैं कई प्रतिभाएं निकलती है,
उसका नाम है कुश्ती में खाचरों का नाम है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि खाचरों इस खेल के लिए लोग के लिए न केवल अच्छे खिलाड़ी देगा बल्कि एक अच्छा मेजबान भी साबित होगा। और इसी आशा विश्वास के साथ क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों के शुरू शुरू में जो परफॉर्मेंस दिए हैं हमें लगता है कि हम जो भाषण की औपचारिकता पूरी करके कार्यक्रम से चले जाते हैं लेकिन मन कह रहा कि यहाँ बैठ के देखना भी होगा। तो पूरी टीम सब भी अपनी पूरी ताकत के साथ अपना प्रदर्शन करें। जीत हार ऊपर वाले के हाथ में है। जो हारता है वो अगली बार निश्चित रूप से अच्छी तैयारी से आएगा और आप सब खाचुर के साथ माहौल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खाचुर में योग की एक छाप छोड़ के जाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।